अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मैं आज आपके साथ मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जैन के लिए और मेरे लिए मैं नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ। जैन के लिए आज मैं बना रही हूँ चीज़ ऑमलेट। हम जैसे नॉर्मल ऑमलेट बनाते वैसे ही मैं बना के ले रही हूँ। बस मैंने ऊपर से ना थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, और दोनों साइड से सेक के लेने के बाद ना मैं उसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा चीज़, मतलब चीज़ स्लाइस में से एकदम थोड़ा थोड़ा चीज़ स्प्रेड करके ले लूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा ऑरिगेनो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ऑरिगेनो थोड़ा सा डालने से। तो बस उसको फोल्ड करके ना उसको जैन को मैं दे दूँगी थोड़े से केचप के साथ। बहुत ही अच्छा बनता है और जैन बहुत शौक़ से खाता है माशाल्लाह। मैं जैन के लिए ना अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, अलग अलग वैरायटी ऑफ नाश्ता बनाने का ट्राई करती हूँ। बोलो, तू हाथ से खाने वाला है? हाँ बता कैसे, पहले टेस्ट कर। तो मैंने भी आज चीज़ ऑमलेट ही खाया था नाश्ते में, तो बस हम दोनों का नाश्ता हो गया। आज है ना मैं देसी मुर्गी का सालन बनाने वाली हूँ, मतलब करी को हम लोग सालन बोलते हैं। और ड्राई कोकोनट है, मैं एक इडली में रख देती है, यूज़ में आती है नहीं, तो मैं इसको मतलब कोकोनट रखने के लिए यूज़ करती हूँ बाकी टाइम। तो बस यहाँ पर प्रिपरेशन करने से पहले मैं सोची पहले कपड़े धोने के लिए डाल देती हूँ। बहुत सारे कपड़े जम गए थे जो मुझे धोने के थे, मशीन को लगाने के थे। और देखो मैंने वॉशिंग मशीन में ना जैन की बैट छुपा के रखी थी, बैट से इतना ज़्यादा मार रहा था इधर उधर, तो मैंने छुपा दी। तो अभी मैंने बाहर निकल के ऊपर रखी तो मुझे याद आया मैंने छुपाई थी। तो बस अभी कपड़े मशीन को लगा के हो गए। इधर आओ, चलो नहाओ करने चलो। लल्लेबू चाहिए? कहाँ है लल्लेबू? नहीं वो मत ले, छोटा वाला ले। तो है ना जो कोकोनट मैंने निकाल के ले लिया था ना उसको कट करके मैंने हल्का फ्राई करके ले लिया थोड़े से ऑयल में, और कांदा कट करके ले लिया, और थोड़ी सी ग्रीन चिली मैं खोबरे के साथ पीसते टाइम डालूंगी। और ये देखो देसी मुर्गी रात को सलमान ऑफिस से आते आते लेकर आए थे, तो ये है ना स्किन के साथ ही मैंने बोली थी लेकर आओ। ये है, ये लोग है ना भून के पूरा अच्छे से क्लीन करके देते और स्किन के साथ बहुत ही अच्छी बनती है। तो जो चिकन करी की मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, एकदम ईजीएस्ट रेसिपी है करी की। तो दो कांदे मैंने कट करके ली थी, वो मैंने ऑयल में डाल दिए। इसको अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे, और जल्दी फ्राई होने के लिए थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। और इसको स्किन के साथ बनाते हैं ना, इसका टेस्ट है ना इन्हांस हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है हम बोल सकते। बस इसको अच्छे से क्लीन करके लेना है। तो कांदा है ना इतना ब्राउन हो जाए ना, तो उसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। अभी इसको अच्छे से इसका रॉ स्मेल जाने तक हम भून के लेंगे, फिर हम डाल देंगे इसमें चिकन। देखो मैंने ना क्लीन करके फ्रिज में रख दिया था, तो अभी चिकन डालने के बाद है ना उसको भी तेल के साथ, मतलब कांदे के साथ अच्छे से फ्राई करके लेना है। मतलब उसका अच्छा कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए उतना फ्राई करके लेना है, 3 से 4 मिनट। फिर अभी है ना ड्राई स्पाइसेस में मैं डालूँगी इसमें ना 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और मैंने लाल मसाला ना 2 चम्मच भर के डाल दिया। सबका मसाले का टेस्ट अलग रहता है, वो हिसाब से डालना है। और अभी ये मसाला भूनने के बाद जो मैंने पूरा एक बड़ा टमाटर लिया था ना वो मैंने कट करके डाल दिया, तो टमाटर को भी इसके साथ अच्छे से फ्राई करके ले लेंगे। और है ना इसको ढक्कन ढक के हम पकने के लिए रख देंगे। तो है ना ऊपर है ना मैं थाली में थोड़ा सा पानी रख रही हूँ, और अभी अंदर के अंदर है ना भाप में ही पकेगा और चिकन अपना पानी छोड़ देगा। तो बस वो पकने तक मैं जैन के लिए अलग से चावल बना रही हूँ, अलग से तो कुकर में रख रही हूँ, थोड़ा सा नरम चावल मैं उसको खिलाती, तो अलग अलग बनाने पड़ते हैं, सलमान ज़्यादा नरम चावल खाते हैं नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांदा अच्छे से फ्राई हो गया, सॉरी टमाटर अच्छे से पक गया है, और चिकन ने भी कितना अपना पानी छोड़ दिया। तो बचे हुए ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, छोटा 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दिया। अभी सारे मसाले तो डाल के हो गए, और अभी ये चिकन है ना जल्दी पकता नहीं है बॉयलर के जैसा, इसको कुकर में ही पकाना पड़ता है। और अभी मैंने इतना अच्छे से भुना है ना तो कुकर में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब बस 15 मिनट ही मैं रखूँगी उसमें वो अच्छे से पक जाएगा। तो कुकर में भी डालने के बाद है ना अभी मैं इसमें ये जिस बर्तन में मैंने पकाया था ना उसमें ही थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं उसको गर्म करके ले लूँगी, फिर वो पानी मैं कुकर में ऐड करूँगी। तो पानी गर्म हो रहा है ना तब तक मैंने जो सूखा खोबरा हमने भून के लिए थे ना वो मैं डालूंगी, और उसके साथ मैंने हरी मिर्च भी डाली हो, क्योंकि ये मेरा मसाला है ना बहुत ज़्यादा तीखा नहीं, लेकिन हरी मिर्ची का अपना एक अलग टेस्ट रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है कोई भी करी में। तो मैंने पेस्ट बना के ले लिया, पानी भी गर्म हो गया था, तो
अभी मैं कुकर लगा रही हूँ, और कुकर भी है ना मैं 10 मिनट 5 मिनट रखूँगी हाई फ्लेम पे और 10 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम में। एक्चुअली ना डिपेंड करता है कि मतलब मुर्गी कितनी बड़ी है छोटी है, वो हिसाब से हमें चेक करना है कि कितने टाइम में पकेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया था चिकन ना, तो फिर उसको इतना टाइम नहीं लगेगा। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, सारे बर्तन खाली करके ले रही हूँ, दूध की मलाई वगैरह निकाल के सब टोप वगैरह मैंने खाली किए, मेरी मेड का भी आने का टाइम हो जाता है। तो बस अभी यहाँ पे ना 15 मिनट हो गए हैं चिकन को रखे हुए, तो अभी मैं चेक कर रही हूँ छुरी से कि चिकन पका है कि नहीं, तो परफेक्ट कुक हुआ है। तो जो पेस्ट हमने बना के लिया था ना, वो अभी हम ऐड करेंगे सूखे खोपरे का और मिर्ची का। अब ये ऑलरेडी अच्छे से हमने फ्राई करके लिया था, तो इसको ज़्यादा टाइम लगता नहीं, लेकिन करी में वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए ना, इसके लिए और 10 मिनट मैं उसको गैस पे रखूँगी, मतलब अच्छे से बॉईल आने दूँगी, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो हमारी ये चिकन करी एकदम ईजीएस्ट चिकन करी बन के रेडी हो जाएगी। तो दूसरे गैस पे ना हमारे नॉर्मल चावल जो बनाए थे ना, वो भी बनके हो गए, और जैन का जो चावल है वो मैं खाली करके ले रही हूँ दूसरे बर्तन में, तो कुकर जाएगा मेड के पास धोने के लिए। और ये फाइनल डालना है बहुत सारा हरा धनिया, और हमारा देसी मुर्गी का सालन बनके रेडी है। और ये सालन के साथ है ना, मतलब मुझे उत्तप्पा खाना बहुत पसंद है, मतलब मुझे नहीं लगता कोई खाता रहेगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मेरे फ्रिज में है ना डोसा बैटर रहता ही है, मतलब मैं बनाते रहती हूँ, तो 4-5 दिन तो हम उसको स्टोर कर ही सकते। तो मैंने सोचा आज मेरे लिए उत्तप्पा बनाती हूँ, तो मैंने 2 उत्तप्पा फटाफट बना के ले लिए, तो मैं उसको आज करी के साथ खाऊँगी। और अभी है ना जैन मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रहा है, तो बस अभी उत्तप्पा हो गया उसके पास जाती हूँ। क्या हो रहा है बता, क्या करता है दिखाओ, क्या शूज पहन रहा है, पहनो पहनो पहनो, ट्राई करो ट्राई करो, इधर से खींचो इधर से, आ गया, वेरी गुड। मैं सोफा कवर निकालने गई और छिपकली दिख गई। जें, जें, जें। जें चिल्लाओ ने धक्का दो ना सुबह, उसको धक्का दो ना सुबह, मंगला नीचे आ जाएगी तो बाहर चली जाएगी। शी मेरा कोकोनट है उधर। फाइनली ना उसको बाहर भेज दिया मेरी मेड ने, और अभी मैं सोफे के कवर निकाल के ले रही हूँ। छुपकली से डर से ज़्यादा ना घिन लगती है, उसको देख के बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, और डर तो लगता ही है, कभी ऐसा लगता है अपने आंग पे आ गई तो क्या करने का। तो बस सोफ़ा कवर अभी निकाल के हो गया, अभी मैं इसको डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में। और आज मैंने जो कपड़े वॉश करने के लिए डाले थे वो भी हो गए थे, तो वो मैं अभी सूखने डाल रही हूँ, और उसमें जैन को तो हर काम में मुझे हेल्प करना ही रहता, तो वो भी हेल्प कर रहे हैं। पूछती हूँ फिर भी, वेरी गुड, डालो डालो, हाँ डालो फटाफट डालो, कपड़े डाल के हो गए। और मैंने कोकोनट ऑर्डर किया था बिग बास्केट से, तो उसमें इतना सारा पानी निकल गया, और ये मुझे आता नहीं था निकालने, लेकिन अभी ये चीज़ भी मैं सीख गई हूँ। कोकोनट को एक्चुअली वो लोग कट करके देते, लेकिन इतना डीप नहीं करते, कट तो हमें ही करना पड़ता है, और मेरे हाथ से ना बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो गया, और मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना ज़्यादा पानी रहेगा। और जैन के लिए ना मैंने जानबूझ के कांच का ग्लास लिया था, बहुत स्वीट है तुम्हारा, ये लो इतना पियो, तुम पियो, बहुत अच्छा है, स्वीट है एकदम, एकदम स्वीट कोकोनट, कैसा है, स्वीट है ना। जैन को कोकोनट वाटर वो इतना शौक से पीता नहीं, बच्चों को अच्छी चीज़ों की आदत लगाने को कितना टाइम लगता है, यही जगह पे अगर कोल्ड ड्रिंक रहता ना तो बहुत प्यार से पिया होता और मांग मांग के पिया होता। बहुत टाइम गया मुझे उसको कोकोनट वाटर पिलाने में, कम से कम 10 से 15 मिनट में वो एकदम थोड़ा सा ही पिया, मतलब हार्डली 10 चम्मच भी नहीं पिया रहेगा।
तो बस उसके बाद मैंने सारे बर्तन जो सुखाने के थे वो मैंने सूखने डाल दिए। अभी मैं बैठ रही हूँ खाना खाने। और इसमें भी मेरा एग्जैक्ट रूटीन नहीं है। खाना खाने से पहले मैंने जिन को खाना खिलाया, नमाज अदा की, उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे वो मैंने फोल्ड किए, उसके बाद अभी मैं खाना खाने बैठी हूँ। और लंच के टाइम पे ना मैं मतलब दही खाती हूँ आजकल, बहुत अच्छा लगता है, एसिडिटी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मुझे। और ये थोड़े ठंडे हो गए थे, मैंने थोड़ा ओवन में गरम करके ले लिए उत्तप्पे, प्लेन उत्तप्पे। आप कभी ट्राई करो, बहुत अच्छा लगता है कोई भी करी के साथ उत्तप्पा। और थर्मस ऑर्डर किया था तो जो मुझे ना उसको टेस्ट करने का था गर्म पानी, मतलब वो 24 आवर्स पानी गर्म रहता है या नहीं। तो 2 दिन से मैं भूल गई थी, तो आज मैंने ना पानी डाल के रख दिया। और फिर खाना खाने के बाद है ना हम थोड़े टाइम के बाद गार्डन चले जाते हैं। मतलब जैन को मैं रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा डेली लेके ही जाती हूँ, कभी कभी मैं उसको 2 बार लेके जाती हूँ। अगर सुबह थोड़ा सा ठंडा क्लाइमेट रहेगा तो मैं उसको सुबह भी लेके जाती हूँ और शाम को भी लेके जाती। तो उसको जस्ट मैं अभी गार्डन लेकर आई हूँ और माशाल्लाह वो खेल रहा है मेरे, मुझे भी बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है मतलब उसके साथ जाती हूँ तो। जैन का ना गार्डन में खेलने के होने के बाद फिर आते आते ना हम लोग सुपरमार्केट भी गए थे दूध लाने का था। एक्चुअली हुआ क्या, बिग बास्केट का मैसेज आया था कि वो लोग दूध का डिलीवरी नहीं करेंगे नेक्स्ट डे, लेकिन मैंने चेक ही नहीं किया। मैंने मॉर्निंग में डायरेक्ट दूध लेने गई तो दूध दिखा नहीं, तो फिर हम लोग गए थे सुपरमार्केट। फिर जैन ने वहाँ पर आइसक्रीम लेने की ज़िद किया, फिर आइसक्रीम लिया, अंडे भी ख़त्म हुए थे, अंडे भी लिए, ग्रीन चिली भी एकदम फ्रेश आई थी तो वो भी ली, तो उसको ही स्टोर करके रख रही। और ककड़ी भी एकदम फ्रेश थी तो मैं लेकर आई क्योंकि ख़त्म हो गई थी। तो दूध लाने गई थी और बहुत सारी चीज़ें लेकर आई, और थोड़ा सा वॉक भी हो गया हम दोनों का, और जैन भी बहुत ज़्यादा थक गया था तो अभी सो गया है। और है ना अंडे की थैली मैंने देखी, इतने ज़्यादा गंदे थे अंडे ना, तो मैंने सोचा इसको वॉश करके फ्रिज में रखती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो मैंने ना स्क्रबर से उसको क्लीन किया और फिर मैंने ना उसको फ्रिज में रख दिया बाद में। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। आपको और आपको थोड़ा भी अच्छा लगा रहेगा तो एक लाइक करो, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।